नमस्कार दर्शकों, आज हम PIL के बारे में बात करेंगे। अक्सर ये शब्द हम लोग अखबार या टीवी में पढ़ते और देखते हैं कि किसी बड़े मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी हाई कोर्ट में PIL डाली गई है। लेकिन अधिकतर लोग मुद्दा तो समझ जाते हैं, मगर असल में PIL क्या होती है ये नहीं समझ पाते। चलिए आज हम इसे साधारण भाषा में समझेंगे। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक मतलब जनता, इंटरेस्ट मैंने हित, और लिटिगेशन मैंने मुकदमा, यानी कि वो मुकदमा जो जनता के हित के लिए लड़ा जाए उसे PIL कहते हैं। पिटीशन किसी भी मामले से रिलेटेड हो सकती है, वो पोल्यूशन से रिलेटेड हो सकती है, वो खराब एजुकेशन सिस्टम की वजह से हो सकती है, वो रोड सेफ्टी के लिए हो सकती है, और इस तरह के कई सारे मामलों में भी PIL डाली जा सकती है। चलिए पहले आपको ये बताते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। 1980 से पहले केवल पीड़ित पक्ष ही न्याय के लिए कोर्ट जा सकता था, लेकिन हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस के बाद देश का कोई भी नागरिक एक PIL फाइल कर सकता है। 1979 में एडवोकेट कपिला हिंगोरानी ने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की अमानवीय स्थिति को देखते हुए 17 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए एक रिट पिटीशन फाइल की। इस केस को हुसैनारा खातून केस के नाम से जाना जाता है। इस केस में उन अभियुक्तों का जिक्र किया गया जो छोटे मोटे अपराधों के लिए भी 10 साल से ज्यादा की कैद काट चुके थे। ये लोग इतने गरीब थे जो एक वकील करने में भी सक्षम नहीं थे, और इसलिए उन्हें न जमानत मिल सकी और न ही रिहाई। उस टाइम ये केस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस P भगवती की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुना। उन्होंने पिटीशन के प्रोसीजर की टेक्निकलिटीज पर जोर ना देते हुए PIL के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की, और इस पिटीशन से कुछ सीरियस इश्यूज निकले, जैसे कि फ्री लीगल एड और राइट टू स्पीडी ट्रायल। और इस केस का जजमेंट ये हुआ कि उन 17 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को तो रिहाई मिली ही, और साथ ही राइट टू स्पीडी ट्रायल को भी एज अ फंडामेंटल राइट माना गया। और इसके साथ ही देश में ऐसे बहुत सी पिटीशंस फाइल की गई और लगभग 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिहा किया गया, और लीगल एड सर्विसेज की फॉर्मुलेशन भी इसी केस के बाद स्पीड अप हुई। चलिए अब ये जान लेते हैं कि एक PIL कैसे और कौन दायर कर सकता है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को हमारी जुडिशरी के द्वारा इंटरप्रेट किया गया था टू कंसीडर द इंटेंट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। लेकिन PIL फाइल करने से पहले आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है कि पिटीशन सच में पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए फाइल की गई है, ना कि किसी पब्लिसिटी के लिए। देश का कोई भी नागरिक एक PIL फाइल कर सकता है। जब भी आपके किसी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो तो संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की जा सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगली वीडियो में हम लीगल एड पे बात करेंगे। जय हिंद।